बिना गुरु कैसा ज्ञान। दरअसल सूबे में बोर्ड की परीक्षाओं में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में फिसड्डी नूह जिले के वार्षिक परीक्षा परिणामों में बेहतरी की आस लगाना बेईमानी होगा, वो भी तब जब कई स्कूलों में पूरे साल अध्यापकों का टोटा रहा हो। सूबे में बोर्ड की परीक्षाओं में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में फिसड्डी नूह जिले के वार्षिक परीक्षा परिणामों में बेहतरी की आस लगाना बेमानी होगा, वो भी तब जब कई स्कूलों में पूरे साल मुख्य अध्यापक तक नहीं थे। कमी है और यहाँ पर हिंदी के टीचर नहीं है, पॉलिटिकल मतलब लेक्चर 11th से 12th, हाँ 11th क्लास में पढ़ते हो, और यहाँ पर टीचर नहीं है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस कब नहीं है, हिस्ट्री कब नहीं है, हिंदी कब नहीं है, इंग्लिश की सुनीता मैडम है, और यहाँ प्रिंसिपल भी नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और ये टीचर कम है, और हमारे जैसे कोई DP वगैरह ये भी कम है हमारे पे। यहाँ तो 2-3 महीनों से, मतलब और भी ज़्यादा दिनों से यहाँ पर टीचर है ही नहीं, बहुत कम। प्रिंसिपल नहीं है, जो हमारी इंग्लिश की मैम है लेक्चरार, उन्हीं की सारी जिम्मेदारी। नूह जिले की बात करें तो जिले में प्रिंसिपल के कुल 77 पद स्वीकृत हैं, 58 प्रिंसिपल कार्यरत हैं। 19 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल तक नहीं है। हेडमास्टर के 24 पद स्वीकृत हैं, सभी पद खाली पड़े हुए हैं। ESHM के 352 पद स्वीकृत हैं, 212 पद पर ही नियुक्ति है। लेक्चरर के 1273 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 616 पदों पर नियुक्ति हुई है। 657 पद अभी भी लेक्चरर के खाली पड़े हुए हैं। अध्यापक के 1108 पद स्वीकृत हैं, 499 पर नियुक्ति की हुई है। 609 पद अध्यापक के अभी भी खाली पड़े हुए हैं। CNB के 944 पद स्वीकृत हैं, 321 पर ही नियुक्ति की हुई है। 623 पद CNB के खाली पड़े हुए हैं। बात अगर JBT की जाए तो 4454 पद हैं, जिनमें से 2987 पदों पर नियुक्ति हुई है, 1667 पद खाली हैं। HD प्राइमरी के 353 पद स्वीकृत हैं, 308 स्कूलों में हेडमास्टर है। अभी भी 45 प्राइमरी स्कूलों को HD का इंतजार है। इन आंकड़ों से आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा विभाग नूह जिले की शिक्षा को लेकर कितना गंभीर है। बहुत से विषय ऐसे हैं जिनके टीचर पूरे साल बच्चों ने नहीं देखे। जिला शिक्षा अधिकारी सूरज भान मानते हैं कि स्टाफ की हालत कोई अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चों के बोर्ड के परिणाम बेहतर आए इसलिए स्कूल के अध्यापकों को दूसरे स्कूलों में भेजकर जुगाड़ से काम चलाया जा रहा है। हम कर रहे हैं कुछ, जहाँ पर ज्यादा अध्यापक हैं उनको भी दूसरे स्कूल, जहाँ ज्यादा कमी है वहाँ कर रहे हैं। और पिछली बार तो एक क्लास का तो यहाँ पर रिजल्ट भी अच्छा रहा था, हरियाणा में 5वें स्थान पर रहा था, तो धीरे धीरे यहाँ पर सुधार तो हो रहा है। और अब की बार भी हम कक्षाएं एक्स्ट्रा भी लगवा रहे हैं 10वीं और प्लस 2 की, और टेस्ट भी हर आखिरी पीरियड के अंदर टेस्ट लिए जा रहे हैं। वही विवेक पदम सिंह ADC नूह की माने तो सरकारी स्कूलों में स्टाफ की कमी है, लेकिन मौजूदा संसाधनों में शिक्षा विभाग बेहतर नतीजों के लिए जी तोड़ कोशिशों में जुटा है। उम्मीद भी है, एश्योरेंस भी है कि जो स्टाफ की कमी खासतौर पर शिक्षा के मामले में, हेल्थ के मामले में जो एक बेसिक मुद्दे हैं उसको हम पूरा कर लें। इन आंकड़ों के बावजूद नीति आयोग के आंकड़ों में नूह जिला 115 नंबर से कैसे टॉप 33 जिलों की सूची तक पहुँच गया है। लोग इस बात की सच्चाई जानना चाहते हैं। जनता TV के लिए नूह से कासिम खान की रिपोर्ट। कासिम खान हमारे संवाददाता नूह से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कासिम, आंकड़े हम इस वक्त देख रहे थे, कितने अध्यापकों के पद जो हैं नूह के स्कूलों में अभी खाली पड़े हुए हैं, बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक हैं, ऐसे में बच्चों से अच्छे परिणाम की उम्मीद करना तो दरअसल नाइंसाफी होगी। जी बिल्कुल पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मेवात जिला है अब इसका नाम बदल करके नूह रख दिया गया है, लेकिन इसके हालात बिल्कुल नहीं बदले हैं। लगातार ये है जिला तालीम के मामले में सूबे में सबसे फिसड्डी रहा है, और इस जिले के माथे पर पिछड़ेपन का कलंक शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो तालीम है वो बेहतर नहीं है। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो आंकड़े अभी आपने सामने रखे हैं, उनमें
वास्तव में जिस तरह के आंकड़े हैं, बहुत सारे हाई स्कूल ऐसे हैं, बहुत सारे क्या सभी हाई स्कूल जो हैं उनमें एक भी हेडमास्टर नहीं है। अगर इसके अलावा मिडिल स्कूलों की बात करें, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की बात करें, प्राइमरी स्कूलों की बात करें, तो उन सभी स्कूलों में टीचरों का अभाव है। बहुत से मिडिल स्कूल ऐसे हैं जो प्राइमरी से अपग्रेड हुए हैं, उनमें एक भी अध्यापक नहीं है। बच्चों को प्राइमरी के जो अध्यापक है वो सूरज भान डीईओ नू के हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। अब जिस तरीके की तस्वीरें हम नू की देख पा रहे हैं, बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक हैं लेकिन वहां पर जो है अध्यापक ही नहीं है, कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया जब इस तरीके के हालात स्कूलों में देखे जा रहे हैं? जी सूरज जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी सर, हम ये पूछ रहे हैं कि नू में जिस तरीके के आंकड़े हमने अभी देखे, बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक हैं, अध्यापकों की कमी है, किस तरीके से अब जो परीक्षा के परिणाम हैं उनमें किस तरीके की उम्मीद की जाए? ऐसे में हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अध्यापक की भर्ती करना तो सरकार का काम है। एक जिला शिक्षा अधिकारी अध्यापक कैसे लगा सकता है जी? ये हमने पूरी सूचनाओं पर भेज रखी है डायरेक्टरेट में भी और अपने उच्च अधिकारियों को दी हुई है। अध्यापक के अरेंजमेंट करना तो सरकार का काम जी। सूरज जी, शिक्षा का विषय है, शिक्षा का मामला है और ऐसे में इतनी ढील बरती जा रही है, बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक है, सबसे अहम बात नहीं, ढील कहाँ बरती जा रही है? जितने भी अध्यापक है उनसे हम पूरा काम ले रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवा रहे हैं बोर्ड की परीक्षाओं की, दसवीं और प्लस टू की। क्या जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो टीचरों की कमी को पूरा कर देंगी सर? नहीं, ये तो सरकार करेगी, हम तो नहीं कर सकते जी। जो भी संसाधन है उनसे हम पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे जी। सूरज भान जी, अब क्या आप लोगों की तरफ से इसके बारे में शिकायत की गई है, मांग की गई है, क्योंकि काफी पद हम देख रहे थे रिक्त हैं। जी जी सर, क्या आपके पास अभी इस वक्त शिकायत पहुंची है और उस पर कुछ कार्रवाई अमल में लाई गई है अभी तक? सर आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, रमजान चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रमजान चौधरी जी, स्वागत है जनता टीवी पर आपका। नू जिले की तस्वीरें हम देख रहे थे, वहां पर कमी है काफी ज्यादा अध्यापकों की, किस तरीके से देखते हैं आप इस समस्या को? रमजान जी, आवाज में आंकड़े छपे थे जी, उससे भी कहीं बेकार स्थिति है मेवात के स्कूलों की जी। क्योंकि ये तो आपकी निगाह के सामने या पत्रकारों की निगाह के सामने आ गए हैं जो आंकड़े आपने रखे हैं। अगर जमीनी हकीकत आप देखेंगी और स्कूलों को जमीनी स्तर पर आप देखेंगी तो इससे भी भयावह और बुरी स्थिति है मेवात के स्कूलों की। और मैं ये तो मानता हूँ कि सरकारों की आजादी के कुछ दिन बाद से सरकारों की नीयतें सही नहीं थी मेवात क्षेत्र में एजुकेशन और सेहत को लेकर, लेकिन जिस तरह से पिछली सरकारों ने घोर लापरवाही की, इस सरकार में थोड़ा सा बेहतर करने की एक ललक तो बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से पिछले 30-35 सालों में शिक्षा की बदतर स्थिति हुई थी उसको एकदम से ठीक करना बहुत ज्यादा मतलब बहुत बस की बात नहीं है। लेकिन अगर अधिकारी चाहें उनकी नीयत सही हो, अध्यापकों का और रिसोर्स का सही इस्तेमाल करें तो कुछ स्कूलों ने करके दिखाया है कि वहाँ स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई भी शुरू हुई है उन्हीं रिसोर्स के माध्यम से। तो अगर सरकारी अधिकारियों की और सरकार की थोड़ी सी नीयत और थोड़ी सी जद्दोजहद और बढ़ जाए तो इन्हीं रिसोर्स से भी काफी कुछ किया जा सकता है। और टीचर्स की भर्ती करके अगर स्कूलों में टीचर्स की मांग को पूरा कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा पूरी की जा सकती है, लेकिन अधिकारियों की नीयत और जो है सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिए इसके लिए जी। रमजान जी, काफी चिंता का ये विषय है क्योंकि शिक्षा के विभाग पर इस तरीके की लापरवाही बरतना ये काफी चिंता का विषय है, लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि पिछले कितने समय से इस तरीके की समस्या चली आ रही है, पिछले कितने सालों से? मैं तो समझता हूँ कि मैंने जब अपनी पांचवी क्लास पास की थी पूजा जी, तो हमारे स्कूलों में बहुत अच्छे अध्यापक रहा करते थे, हमको पढ़ाते थे,
और मैंने फुलवाड़ी देखी अपने स्कूल में पेड़ पौधे देखे हैं, डिसिप्लिन देखा है, बहुत अच्छी चीजें देखी हैं। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि जब 35-40 साल पहले इतनी बुरी शिक्षा नहीं थी जितने पिछले 30 और 35 साल में शिक्षा का बुरा हाल हुआ है। इस तरह से जब यहाँ टीचर्स ने, जो हमारे टीचर्स हुआ करते थे, उनको इतनी अंदर चिंता रहती थी कि किसी तरह से हम अपने सब्जेक्ट को हमारे अंदर वो उतारने की पूरी कोशिश करते थे, लगन थी, चिंता थी, मेहनत करते थे, अलग अलग तरीके से पढ़ाते थे। लेकिन आज का जो अध्यापक है वो अध्यापक सिर्फ और सिर्फ एक तनख्वाह और अपना टाइम पास करके और दूसरे कामों में मिलते हुए जो है वो हुआ जा रहा है। मतलब साबिन उसको स्टूडेंट्स के प्रति उतनी वो नहीं है चिंता जितनी होनी चाहिए। अगर एक अध्यापक सही मायने में अध्यापक होने के नाते अपनी ड्यूटी पूरी करे तो थोड़े रिसोर्स से भी, थोड़े अध्यापकों से भी स्कूल को चलाया जा सकता है। जी रमजान चौधरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके की तस्वीरें हैं नूह जिले के स्कूलों की और किस तरीके से प्रशासन जो दावे करती है उसकी पोल खुलती हुई यहाँ पर नजर आई है।